नमस्कार, आज हम जानेंगे एक्सरे। एक्सरे जो यूज़ किया जाता है ब्रैग्स लॉ में, हम नंबर को वन ही कंसिडर करेंगे और डिफ्रैक्शन एंगल जो कि एल होता है इक्वल्स टू टू थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग एंगल, ठीक है। तो हम लोग एन लैम्डा टू डी साइन थीटा, याद ही होगा आपको, यही हम लोग लेते हैं एन लैम्डा टू डी साइन थीटा। अब हमने एन क्या बोलते हैं कि एन लैम्डा जो है लैम्डा एन इक्वल्स टू टू ए साइन थीटा अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, कितना एच के एन एल सबका स्क्वायर होता है टू ए, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए टू ए साइन थीटा। अब हम लोग अगर डी की बात करें, यहाँ पे डी तो वो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर्स जो होता है सॉलिड स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और वो पूरा बताया जाता है। अब ये एन क्या है मैंने बताया, नंबर है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज है। एन जो है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर दिया गया है तब ठीक है, नहीं दिया गया तो हमेशा आप एन इक्वल्स टू वन ही लेंगे। और जो ये आपका एंगल ऑफ इंडाइसिस होता है ये तो आपको पता ही रहेगा, एन लैम्डा टू डी साइन थीटा, यहाँ पे टू ए साइन थीटा होता है और एच के एल सबका स्क्वायर होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग स्कैटरिंग फैक्टर एंड स्ट्रक्चर फैक्टर्स जानेंगे। थैंक यू।